दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है मेरे एक्सेल दर्शन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं एक्सेल के अंदर बहुत ही खास वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको जब आपको कंपनी के अंदर एक्सेल का बहुत सारा डेटा प्राप्त होता है उस पर पाइवट टेबल कैसे अप्लाई की जाती है, एक ऐसा ही डेटा जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वहाँ पर मुझे भी इस प्रकार से एक सीट मुझे फ्लिपकार्ट से डाउनलोड करनी होती है और वहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट है उसका यहाँ पर सारा का सारा डिटेल हमें एक्सेल सीट में प्राप्त हो जाता है। इनवॉइस नंबर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे IGST है। इनवॉइस की डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनवॉइस जो यहाँ पे है, अमाउंट जो है यहाँ पे आपको दिखाई देगा, सेलिंग प्राइस है, उसका शिपिंग चार्ज है, क्वांटिटी है, प्राइस, बायर नेम है, उसका एड्रेस, सिटी, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें एक्सेल सीट में इस तरीके से हमें प्राप्त हो जाती है। उसको हम डाउनलोड करके अपने डेटा को अपने एक्सेल सीट में उसे हम समराइज करके फिर उसको हम मेंटेन करते हैं। एक ऐसा ही एग्जाम्पल है आपके सामने, रियल एग्जाम्पल है जो मैं आपको आज समझाऊंगा। तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पर एक सीट है जो मैंने डाउनलोड कर चुका हूँ। यहाँ पर कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उसका मुझे डेटा को समराइज करना है कि आज मुझे फ्लिपकार्ट पर कितने ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। तो उसके लिए डेटा को समराइज करने के लिए मैं क्या करूँगा, इंसर्ट टैब पे मैं आऊँगा। उसके बाद आपको क्या करना है, पाइवट टेबल आप इस पर बस क्लिक करेंगे। आप देखेंगे जो आपका डेटा है, जो भी आपकी रेंज है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। न्यू वर्कशीट पर मुझे पाइवट चाहिए, अपना एक टेबल जो है डेटा को समराइज करना है, तो मुझे न्यू पर क्लिक करूँगा। और आप चाहते हैं कि एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे आपको चाहिए तो आप यहाँ पर भी चूज कर सके, उसकी लोकेशन को यहाँ पे सेट कर देंगे। मुझे न्यू वर्कशीट पर डेटा को समराइज करना है, मैं क्या करूँगा, न्यू वर्कशीट पर रेडियो जो बटन है इस पर मैं क्लिक करूँगा। ये पहले से ही सेलेक्ट होता है यहाँ पे और मैं ओके पर जैसे ही क्लिक करता हूँ आप देखेंगे जो डेटा है वो यहाँ पर एक नई वर्कशीट इसमें ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाती है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से पाइवट टेबल के फील्ड आपको दिखाई देंगे। आप देखेंगे यहाँ पर ऑर्डर ऑन है, शिपमेंट आईडी है, ऑर्डर आइटम है, ऑर्डर आईडी है, जितने भी हेडिंग हमारे इस टेबल के अंदर हैं वो सारे के सारे हेडिंग आपको पाइवट टेबल फील्ड के अंदर वो सारे के सारे दिखाई देने लगेंगे। मुझे क्या करना है, डेटा को जो समराइज करना है, मुझे यहाँ पर ये चेक करना है कि मुझे आज कितने ऑर्डर यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं कर्जर से इस स्क्रॉल को नीचे करूँगा। सबसे पहले मैं देखो कौन कौन से प्रोडक्ट आज मुझे प्राप्त हुए हैं मेरी वेबसाइट पर, मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर स्टारएक्स न्यूट्रिशियन का क्रिएटिन, स्टारएक्स न्यूट्रिशियन का गट पावर, जिसको आप वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। ये एक संस्था है स्टारएक्स न्यूट्रिशियन, जो कि हेल्थ प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है ऑनलाइन फ्लिपकार्ट के थ्रू। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रोडक्ट तो मेरे आ चुके हैं कि आज ये प्रोडक्ट मुझे भेजने हैं, परंतु वो टोटल कितने प्रोडक्ट भेजने हैं उसके लिए मैं इस स्क्रॉल को नीचे यहाँ पर क्लिक करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे क्वांटिटी है, इस बॉक्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पर माउस के बटन क्लिक करेंगे, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटी मुझे दिखाई देने लगती है। आज मुझे फ्लिपकार्ट पर आज की डेट में जो ऑर्डर मुझे प्राप्त हुए हैं, मुझे 88 ऑर्डर यहाँ से क्या है भेजने हैं अपने यहाँ से पैक करके। अब देखिए इस टेबल के अंदर इसको और थोड़ा सा एट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, आप देखेंगे सभी प्रोडक्ट के सामने यहाँ पे स्टारएक्स जो यहाँ पे वर्ड है ये मुझे यहाँ से क्या है इसे हटाना है सभी प्रोडक्ट के सामने से। उसके लिए सिंपली क्या करूँगा, मैं एक
रो को यहां से कर लूंगा सेलेक्ट, कंट्रोल सी से करेंगे कॉपी, उसके बाद मुझे आना है फाइंड एंड रिप्लेस इस ऑप्शन पे, और मैं यहां रिप्लेस ऑप्शन पे करूंगा क्लिक। उसके लिए आप शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एच का भी प्रयोग कर सकते हैं रिप्लेस के लिए। अब देखिए दोस्तों, फाइंड व्हाट, मुझे क्या ढूंढना है, कंट्रोल वी से मैं अपने डेटा को यहां पर कर दूंगा पेस्ट, जो मैंने यहां से कॉपी किया हुआ है। अब मैं बैकस्पेस से जो यहां पे अन्य जो वर्ड टाइप है उनको यहां से मैं हटा देता हूं। अब देखिए ये बहुत ही ध्यान देने वाला पॉइंट है, बहुत ज्यादा एक्सेल में काम आता है जब भी हम पाइवट टेबल पे काम करते हैं। मुझे क्या करना है, स्टार्स नोटिसन को यहां से रिप्लेस करना है। जब भी आपका प्रोडक्ट है, आप सेल करते हैं और उसमें आपकी संस्था का नाम हर प्रोडक्ट के सामने यहाँ पे लिखा होता है, आप चाहते हैं सिर्फ आपको प्रोडक्ट का नाम ही यहाँ पर दिखाई दे, तो आप पीछे के जितने भी वर्ड उनको हटा देंगे, वो जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं उसको यहाँ पर फाइंड वर्ड में आप यहाँ पे टाइप कर देंगे रिप्लेस विद। मुझे वहाँ पर खाली जगह चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उसकी जगह, तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ दूंगा और रिप्लेस ऑल पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे मेरे पास जो प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर मुझे सिंपली दिखाई देने लगेंगे। आप देखिए यहाँ पर क्रिएटिन है, गट पावर है, और मैं यहाँ पे इसको सीरीज देने के लिए मैं सीरीज इसे देना चाहता हूँ ताकि मुझे जो सीरियल नंबर हैं वो यहाँ पर आ जाएं। इसको आप छोटा बड़ा भी सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर करूँगा क्लिक और इंसर्ट पर क्लिक करेंगे हम। आप देखेंगे यहाँ पर एक न्यू कॉलम इंसर्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इनको नंबरिंग दे देता हूँ कि कितने प्रकार के प्रोडक्ट आज मुझे भेजने हैं। 1-2 मैंने राइट किया, माउस से दोनों को करेंगे सेलेक्ट, और जैसे ही मैं राइट एंड साइड में आता हूँ आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक इस तरीके से ब्लैक कलर का प्लस का सिंबल दिखाई देगा। आप उसे माउस की लेफ्ट बटन दबा के नीचे ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पर आपको सीरियल नंबर यहाँ पर जनरेट हो जाएंगे। अब देखिए मुझे इसका प्रिंट भी निकालना होता है, जब पैकिंग होती है तो मुझे प्रॉपर अपनी टीम को एक फॉर्मेट बना के देना होता है कि इस तरीके से ये प्रोडक्ट यहाँ पे मुझे प्राप्त हुए हैं। अब इसको प्रॉपर बॉर्डर देने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँ, कंट्रोल ए क्लिक करूंगा कीबोर्ड से और बॉर्डर पे आऊंगा, ऑल बॉर्डर में जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे इसे एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग यहाँ पे मिल जाती है। और इसको छोटा करने के लिए मैं इसका जो नाम है वो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, QTY क्वांटिटी, मुझे इतनी क्वांटिटी आज भेजनी है, और मैं इस सेल का जो साइज है कॉलम का मैं छोटा कर देता हूँ। तो आप देखेंगे एक प्रॉपर यहाँ पे हमें एक टेबल प्राप्त हो चुकी है जो कि काफ़ी बड़ा डेटा था, जहाँ पर अलग अलग कॉलम हमें दे रखे थे। सिर्फ मैंने इस डेटा के अंदर से उन्हीं कॉलम को लिया है जिनकी मुझे आवश्यकता थी। आप देखेंगे यहाँ पर और भी फील्ड हैं, जैसे बायर का नेम है, आप चाहें तो ये भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जैसे एक मैं आपको दिखा देता हूँ, सिटी, किस किस शहर से कितने कितने ऑर्डर हमें मिले हैं, तो आप यहाँ पे वो देख सकते हैं, वो इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। मैं प्रोडक्ट को आप चाहें तो उसको मैं यहाँ से नीचे भी ऐसे इंटरचेंज भी कर सकता हूँ, प्रोडक्ट को ले लेता हूँ नीचे, तो इस तरीके से दिखाई देगा आपको। मैं कंट्रोल जेड से बैक कर देता हूँ। आप यहाँ पर अपने जो फील्ड की आपको आवश्यकता है आप उनको यहाँ से क्या करेंगे, उस पर आप चेक बॉक्स पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। मैं आपको इसी के अंदर अन्य एग्जांपल समझाता हूँ। आप देखेंगे मैं क्या करता हूँ, अभी जो मैंने चेक बॉक्स जो यहाँ पर ले रखे हैं उनको यहाँ से मैं बाहर ले लेता हूँ, उनको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। अभी यहाँ पर जो ये हमारा एरिया है मैं इसे कंट्रोल जेड से बैक कर देता हूँ, जो मैंने आप इसकी फॉर्मेटिंग की थी वो सारी फॉर्मेटिंग यहाँ से हट जाएगी। अब मैं इसका एक एग्जांपल और दिखाता हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से आप वीडियो को देखते रहें क्योंकि आज मैं पहला ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जो मेरी कंपनी में किस किस तरह के प्रोडक्ट जो हैं वो सेल होते हैं उसी का मैं एक एग्जाम्पल आपके लिए लेकर आया हूँ। अब मुझे ये चेक करना है कि किस किस शहर से मेरे पास जो है ऑर्डर मुझे आज प्राप्त हुए हैं वो भी मुझे यहाँ पे चेक करने हैं।
या मैं सिर्फ स्टेट के चेक करना चाहता हूँ तो मैं स्टेट पर क्लिक कर दूंगा। आप देखेंगे यहाँ पर अलग अलग स्टेट से आज मुझे ऑर्डर यहाँ पे प्राप्त हुए हैं और कितने ऑर्डर मुझे प्राप्त हुए। तो मैं क्या करूँगा, इस स्टेट को आप वैल्यू में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सारे के सारे जो ऑर्डर हैं काउंट होके आपको दिख जाएंगे। क्योंकि जब भी आप किसी टेक्स्ट को वैल्यू में आके यहाँ पे ड्रैग करते हैं तो ऑटोमेटिकली पाइवोट टेबल क्या करता है, वो इसको यहाँ पे जैसे आप ड्रैग करेंगे तो उनको ऑटोमेटिकली वो काउंट कर देता है। इसी तरीके से जो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन चाहिए, जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे जो स्टेट है वो कॉलम पर देखना है, तो आप ऐसे भी डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा जो मेन उद्देश्य था कि मैं किस तरीके से जो मुझे डेटा चाहिए होता है नेसेसरी डेटा, उसको हम कैसे पाइवोट करके निकाल सकते हैं, वो आपने देख लिया है। मैं दोबारा से यहाँ पर फिर से अपने डेटा को, जो टेबल मैंने क्रिएट की थी उसको मैं कंट्रोल जेड का प्रयोग करके वापस ले आता हूँ। तो इस तरीके से आप एक्चुअल जो कंपनी की सीट होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी सीट आपको प्राप्त होती हैं, उसमें बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल दिखाई उन लोगों के लिए है जो क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कैसा डेटा होता है, कैसी कंपनियों की सीट होती हैं, किस प्रकार से उनका पाइवोट टेबल अप्लाई की जाती है। तो आप आसानी से पाइवोट टेबल अप्लाई कर सकते हैं। मैं दोबारा से ऑल्ट एन वी टी शॉर्टकट है, इसको आप यूज करके भी यहाँ पे न्यू पाइवोट टेबल आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। दोबारा से मैं फिर से यहाँ पे अपना जो प्रोडक्ट है वो मैं यहाँ पे फिर से ड्रैग कर लूंगा, और जो भी यहाँ पर आपको चाहिए, जैसे आप इनवॉइस नंबर आपको लेना है, मुझे यहाँ पर इसकी सिर्फ क्वांटिटी चाहिए, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्वांटिटी दिखाई देंगे, और मैं कंट्रोल पी का प्रयोग करके आप अपनी टीम को जो डेटा देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं प्रिंट करके पेज को। आप इसकी सेटिंग यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे वन सीट पर आना चाहिए तो पूरा जो डेटा आपका एक सीट पर आ जाएगा। इस तरीके से आप डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों कंपनियों के अंदर डेटा होता है जिस पर पाइवोट टेबल अप्लाई की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।